हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं पोको F5 के टिप्स एंड ट्रिक। इसी वीडियो में आपको बताने वाले हैं पोको F5 के टॉप 10 हिडन फीचर जिन्हें आप यूज कर सकते हैं अपनी डेली लाइफ में। तो चलिए बताते हैं कैसे यूज करेंगे। तो चलिए बताते हैं, अगर आप पोको का फोन लेने की सोच रहे हैं, आपने ले लिया है, बुक कर दिया है, तो क्या यह फोन सिर्फ वीडियो सिर्फ आपके लिए? अगर आपके पास पोको का फोन है तो इसमें आपको स्क्रीनशॉट लेने के लिए सबसे पहले आपको बता देती है, स्क्रीनशॉट लेने के लिए आपको इस फोन के अंदर 10 ऑप्शन देखने के लिए मिल जाते हैं। 10 ऑप्शन देखो मिल जाते हैं सर स्क्रीनशॉट के लिए, बाकी तो ऑप्शन बहुत सारे मिल जाते हैं। स्क्रीनशॉट के बता देते हैं आपको, सबसे पहले 10 ऑप्शन देखो मिल जाते हैं स्क्रीनशॉट के। तो चलिए कौन कौन से आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने फोन के अंदर स्क्रीनशॉट मिल जाता है, 3 फिंगर से जब आप स्वाइप डाउन करते हैं तो आपके फोन के अंदर स्क्रीनशॉट आ जाता है। सेकंड ऑप्शन की हम बात करें तो आपको अपने फोन के अंदर पावर बटन एंड वॉल्यूम डाउन बटन, जब आप दोनों बटन एक साथ प्रेस करते हैं तो आपके फोन के अंदर स्क्रीनशॉट आ जाता है। इस प्रकार से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम बात कर लें अपने फोन के अंदर अब थर्ड ऑप्शन की, तो थर्ड ऑप्शन में आपको ऑप्शन मिल जाता है नोटिफिकेशन पैनल ओपन करेंगे, यह मिल जाता है स्क्रीनशॉट। तो आप इस प्रकार से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम बात कर लेते हैं अपने फोन के अंदर फोर्थ ऑप्शन की, तो फोर्थ ऑप्शन में आपको जो नोटिफिकेशन अपने फोन के अंदर जो फिंगरप्रिंट सेंसर है, सिंपली आपको इस पर डबल टच करना है और आपके फोन के अंदर स्क्रीनशॉट देखने के लिए मिल जाता है। इस प्रकार से हम इस पर डबल टच कर देते हैं और आपको अपने फोन के अंदर स्क्रीनशॉट देखने के लिए मिल जाता है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं डबल टच करने पर स्क्रीनशॉट आपके फोन के अंदर देखने के लिए मिल जाता है, फोर्थ ऑप्शन हो गया। हम बात कर लेते हैं फाइव ऑप्शन में आपको क्या करना है, जो आपका बैक बटन है सिंपली आप उस बटन पर लॉन्ग प्रेस करके रखना, आपको अपने फोन के अंदर स्क्रीनशॉट देखने के लिए मिल जाता है। इस वाले जो बटन है इस पर आपको लॉन्ग प्रेस करके रखेंगे तो आपको अपने फोन के अंदर स्क्रीनशॉट देखने मिल जाता है। ये वाले फीचर अगर आपके फोन में नहीं है तो आप कहाँ से ऑन करेंगे वो भी आपको बताएंगे। उसके बाद आपको फिफ्थ ऑप्शन मिल जाता है, जो आपका होम बटन है मेनू बटन, इस पर आपको लॉन्ग प्रेस करके रखना है। लॉन्ग प्रेस रखेंगे तो आपके फोन के अंदर गूगल असिस्टेंट ऑन हो जाता है। इसके बाद आपको अपने फोन के अंदर ऑप्शन देखो मिल जाता है होम बटन को लॉन्ग प्रेस करके रखेंगे तब आपके फोन के अंदर स्क्रीनशॉट ओपन हो जाता है। अब बैक बटन पर सेटअप करने के लिए फोन की सेटिंग में जाएंगे, सेटिंग में जाने के बाद नीचे आ जाएंगे, यहाँ मिल जाएगा आपको एडिशनल सेटिंग में जाने के बाद सबसे नीचे आ जाएंगे, सॉरी एडिशनल सेटिंग आने के बाद आपको यहाँ मिल जाता है जेस्चर एंड शॉर्टकट। जेस्चर शॉर्टकट पर जाएंगे, यहाँ नीचे आ जाएंगे, यहाँ मिल जाएगा आपको बटन शॉर्टकट पे आ जाएंगे। सिंपली आप बटन शॉर्टकट पे जाएंगे तो यहाँ आपको ऑप्शन देखो मिल जाता है लॉन्ग प्रेस होम बटन पे स्क्रीनशॉट आपको देखने को मिल जाता है, और यहाँ से आपको ऑप्शन देखो मिल जाता है बैक बटन पे जाएंगे, यहाँ से आपको ऑप्शन मिल जाता है स्क्रीनशॉट, इसे कर देंगे रिप्लेस। अब आपको जो बैक बटन है इस पर आपको लॉन्ग प्रेस रखेंगे तब आपके फोन के अंदर स्क्रीनशॉट आता है। ये आपके ऑप्शन हो चुके हैं, 6 ऑप्शन हो चुके हैं स्क्रीनशॉट के। अब हम बात कर लेते हैं 7 में ऑप्शन, तो 7 ऑप्शन में आपको अपने अपने फोन के अंदर एक लॉन्ग स्क्रीनशॉट चाहिए तो कैसे ले सकते हैं? उसके लिए आप लॉन्ग स्क्रीनशॉट वाले एरिया में जाएंगे और 3 फिंगर से स्वाइप डाउन करेंगे और इसे कर देंगे स्क्रॉल। तो इस प्रकार से आप इसे स्क्रॉल करके एक लॉन्ग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। लॉन्ग स्क्रीनशॉट लेने के बाद इसे आप सेव कर लेंगे, एडिट कर लेंगे। इसके बाद हम बात कर लेते हैं अपने फोन के अंदर अब 8 ऑप्शन में ऑप्शन जो स्क्रीनशॉट के लिए मिल जाता है वो कहाँ से मिल जाता है? आपको अपने फोन के अंदर जो होम स्क्रीन डिस्प्ले, इस पर 3 फिंगर से प्रेस एंड होल्ड रखना है। 3 फिंगर से जब प्रेस एंड होल्ड रखेंगे तब आपके फोन के अंदर स्क्रीनशॉट देखने के लिए मिल जाता है। इसमें से आप हाफ स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यहाँ से आप इसे यूज कर सकते हैं। इसे सेव कर देंगे, एडिट कर देंगे, शेयर कर देंगे। ओके, इसे हम यहाँ से सेव कर देते हैं। उसके बाद अगर आपको अपने फोन के अंदर हम बात कर लेते हैं शेप में स्क्रीनशॉट चाहिए 9 ऑप्शन की, जैसे आपको सर्कल में स्क्रीनशॉट चाहिए तो कहाँ से ले सकते हैं? तो 9 ऑप्शन के लिए आपको जो आपकी होम स्क्रीन डिस्प्ले है इस पर लॉन्ग प्रेस रखना है 3 फिंगर से, और 3 फिंगर से आने के बाद इस पर आपको क्लिक कर देना है सर्कल से। अब आपको सर्कल टाइप में स्क्रीनशॉट देखने के लिए मिल जाता है। 9वां ऑप्शन ही आपको देखने को मिल जाता है। हम बात कर लें 10वें ऑप्शन की, तो 10 में आपको स्टार टाइप में अगर स्क्रीनशॉट चाहिए तो सिंपली आपको यहाँ से देखने को मिल जाता है स्टार टाइप में स्क्रीनशॉट। पहले इसे सेव कर लेंगे, इसे सेव करने के बाद 3 फिंगर से प्रेस एंड होल्ड रखेंगे, अब आपको स्टार टाइप में स्क्रीनशॉट देखने को मिल जाता है, जो भी अपने हिसाब से आप ऐड कर लेंगे। इस प्रकार से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये आपके 10 ऑप्शन देखो मिल जाते हैं स्क्रीनशॉट के लिए। तो चलिए और सेटिंग के लिए आपको फोन की सेटिंग को ओपन कर लेना है। सेटिंग ओपन करने के बाद आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ जाना है, यहाँ जाना है आपको एडिशनल सेटिंग में। एडिशनल सेटिंग में जाने के बाद यहाँ आपको ऑप्शन देखो मिल जाते हैं जेस्चर एंड शॉर्टकट, इसी पर जाएंगे। इसमें जाने के बाद यहाँ आपको ऑप्शन देखो मिल जाते हैं अपने फोन के अंदर, यहाँ से आपको ऑप्शन देखो मिल जाता है लॉन्च कैमरा। कैमरा कैसे लॉन्च करना है आपको, डबल प्रेस द पावर बटन, यहाँ आपको पावर बटन है डबल प्रेस करेंगे तो आपका कैमरा ओपन लॉन्च हो जाता है। डबल प्रेस द वॉल्यूम डाउन बटन एंड अपनी स्क्रीन जब लॉक होगी तब आपके फ़ोन के अंदर कैमरा ऑन है। दोनों फीचर हमने ऑन कर लिए हैं। कहाँ से? जैसे आपने अपने फ़ोन की स्क्रीन को डबल प्रेस कर दिया अब आपको फ़ोन के अंदर कैमरा ओपन हो जाता है। जब आपकी स्क्रीन लॉक हो तो कैमरा आपको ऑन हो जाता है। फिर से हम लोग स्क्रीन लॉक कर दिया। आपका वॉल्यूम डाउन बटन है, इसे आपको डबल प्रेस करना है तो
तब आपके फ़ोन के अंदर कैमरा ओपन हो जाता है। जैसे ही आप इसे ऑन करेंगे, डबल प्रेस करने पर कैमरा ओपन हो जाता है फ़ोन के अंदर। तो इस प्रकार से अपने फ़ोन के अंदर आप कैमरा ओपन कर सकते हैं। नेक्स्ट फीचर के लिए आपको जाना है अपने फ़ोन की फिर से सेटिंग में, वहीं जाएंगे एडिशनल सेटिंग में। एडिशनल सेटिंग में जाने के बाद यहाँ आपको वन हैंड मोड मिल जाता है, इसे आप यहाँ से ऑन कर लेंगे। ऑन करने के बाद आप अपने फ़ोन को वन हैंड मोड में इस प्रकार से आपसे यूज कर सकते हैं। तो यहाँ से आप अपने फ़ोन को वन हैंड मोड में कुछ भी आप इसमें यूज कर सकते हैं। इस प्रकार से आपका फ़ोन आता है वन हैंड मोड में, यहाँ से आप वन हैंड मोड में अपने फ़ोन को यूज कर सकते हैं। फुल हैंड मोड कर देंगे तो ऊपर के लिए स्वाइप करेंगे, आपका फ़ोन फुल हैंड मोड में आ जाता है। उसके बाद आपको अपने फ़ोन के अंदर एक ऑप्शन मिल जाता है, फिर से सेटिंग में जाएंगे। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ आपको ऑप्शन मिल जाता है ऑलवेज ऑन डिस्प्ले। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले में जाने के बाद यहाँ से अगर आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले को सेटअप करना है तो यहाँ जाके इसे ऑन कर लेंगे। अब आपको इसमें कुछ भी सेट करना है वो यहाँ से सेट कर लेंगे। सारी आपको क्लॉक यहाँ देखने के लिए मिल जाती है अपनी स्क्रीन पर, जो भी स्क्रीन पर क्लॉक आपको चाहिए वो यहाँ से आप इसे यूज कर लेंगे। सिंपली आप यहाँ से अपने फ़ोन के अंदर कोई भी क्लॉक अपने फ़ोन के अंदर ऐड कर लेंगे। अगर आपको अपना नेम वगैरह चाहिए वो यहाँ से आप यूज कर लेंगे। तो हम अपने फ़ोन के अंदर डिजिटल क्लॉक ऐड कर देते हैं। इस प्रकार से इस पर जाएंगे और इसे हम ऐड कर देंगे, इसे हम कर देंगे अप्लाई। ओके, इसे हमने कर दिया अप्लाई। अब आपके फ़ोन के अंदर ऑलवेज ऑन डिस्प्ले ऑन हो चुकी है। कहाँ से आपकी ऑन हो जाती है? अब अपने इस फ़ोन की स्क्रीन को करेंगे आप लॉक। लॉक करने के बाद अब आपकी स्क्रीन पर देखने को मिल जाती है ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, जो कि आपको इसमें सब कुछ देखने के लिए मिल जाता है। तो इस प्रकार से आपके लिए काम करती है। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले को आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। उसके बाद आपको अपने फ़ोन के अंदर, जैसे अपने फ़ोन के अंदर जो आइकॉन आपको दिख रहे हैं ऐप्स वगैरह, अगर आपको इनका साइज कम ज़्यादा करना हो तो कैसे करेंगे? तो इसके लिए आपको अपनी जो होम स्क्रीन डिस्प्ले है इस पर आपको लॉन्ग प्रेस रखना है। लॉन्ग प्रेस रखने के बाद मेन्यू में जाएंगे। मेन्यू में जाने के बाद मोर पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ मिल जाएगा आइकॉन साइज। आइकॉन साइज पर जाएंगे तो यहाँ से आप देख सकते हैं इनको हम इंक्रीज कर देते हैं, इनका साइज आपको बड़ा देखने के लिए मिल जाता है। तो इस प्रकार से आपके साइज यहाँ से बढ़ जाते हैं। उसके बाद आपको अपने फ़ोन के अंदर इनके साइज़ यहाँ से आप इंक्रीज कर सकते हैं, साइज़ इंक्रीज हो सकते हैं। आप देख सकते हैं इनके साइज़ आपको बढ़ गए। अगर आपको फिर से साइज़ नॉर्मल करना है तो फिर से लॉन्ग प्रेस रखेंगे, यहाँ जाएंगे और आपको मोर पे क्लिक करना है। आइकॉन साइज पे जाएंगे, इसे आपको हम नॉर्मल पे सेट कर देते हैं। तो इस प्रकार से आपकी साइज़ आपको यहाँ देखने के लिए मिल जाते हैं। तो इस प्रकार से आपके साइज़ फिर से नॉर्मल देखने के लिए मिल जाते हैं। उसके बाद आपको अपने फ़ोन के अंदर और साइड आना है, फिर से जाना है फ़ोन की सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ आपको ऑप्शन दो मिल जाता है अपने फ़ोन के अंदर, यहाँ मिल जाता है ऑलवेज ऑन डिस्प्ले। इसमें जाएंगे, इसमें जाने के बाद यहाँ से आपको ऑप्शन दो मिल जाता है अपने फ़ोन के अंदर, इसमें आपको देखने मिल जाता है अपने फ़ोन के अंदर राइज टू वेक, ये दोनों आप यहाँ से ऑन कर लेंगे। इसके बाद आपको अपने फ़ोन में, अगर कैमरा वॉलपेपर चेंज करना हो तो वॉलपेपर ऑप्शन मिल जाता है। वॉलपेपर पर जाएंगे, प्रोफाइल पर जाएंगे, हमें मिल जाते हैं वॉलपेपर। यहाँ आपके फ़ोन के अंदर बहुत सारे वॉलपेपर आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। तो जो भी आपको अच्छा लगता है कोई भी वॉलपेपर आप अपने फ़ोन के अंदर यूज कर सकते हैं। इतने सारे वॉलपेपर आपको इसमें देखने के लिए मिल जाते हैं। सारे जो भी आपको चाहिए सिंपली आप कोई भी वॉलपेपर इस प्रकार से जाएंगे और इसे अप्लाई कर देंगे होम स्क्रीन एंड लॉक स्क्रीन पर। तो इस प्रकार से अपने फ़ोन के अंदर आप वॉलपेपर भी चेंज कर सकते हैं, कोई भी वॉलपेपर आप अपने फ़ोन में अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आपको एक ऑप्शन मिल जाता है अपने फ़ोन के अंदर, रीसेंट जो एप्लीकेशन आप देख रहे हैं, अगर आपके यहाँ से जो आपको वर्टिकल में देख रहे हैं, अगर आपको इन्हें हॉरिजॉन्टल करना है तो कहाँ से करेंगे? हॉरिजॉन्टल में करने के लिए आपको क्या करना है, आपकी जो होम स्क्रीन डिस्प्ले इस पर लॉन्ग प्रेस रखना है। लॉन्ग प्रेस रखने के बाद मेनू में जाएंगे, मेनू में जाने के बाद मोर पे क्लिक करेंगे। मोर पे क्लिक करने के बाद डायरेक्ट स्क्रॉल करके नीचे आ जाएंगे, यहाँ मिल जाता है आपको अरेंज आइटम इन रीसेंट। रीसेंट में जाने के बाद यहाँ आपको वर्टिकल है, हमने कर दिया हॉरिजॉन्टल। अब आपको हॉरिजॉन्टल पर आपके इस प्रकार से देखने के लिए मिल जाते हैं, यहाँ से देख सकते हैं इस प्रकार से देखने को मिल जाते हैं। फिर से अगर आपको वर्टिकल चाहिए तो सिंपली आप इस पर क्लिक करेंगे, अब आपके वर्टिकल देखने के लिए मिल जाते हैं। जो भी आपको अच्छे लगते हैं वो यहाँ से आप यूज कर लेंगे अपने फ़ोन के अंदर। सिंपली यहाँ से हम बैक आ जाते हैं। उसके बाद इसमें आपको नीचे आ जाएंगे तो यहाँ आपको एक ऑप्शन मिल जाता है ब्लर ऐप प्रीव्यू इन रीसेंट ऐप। रीसेंट में आपके एप्लीकेशन को अगर आप ब्लर करना चाहते हैं, कोई भी एप्लीकेशन अगर आप ब्लर करना चाहते हैं वो आप यहाँ से ऑन कर लेंगे। जिन्हें भी एप्लीकेशन आप यहाँ से ब्लर करना चाहते हैं सिंपली आपको क्या करना है, उन्हें यहाँ से आप ऑन कर देंगे। जैसे यहाँ से हम फेसबुक है, फाइल है, प्रोफाइल है, इन्हें ड्राइव को हम लॉक, इनको हम ऑन कर देंगे, ब्लर में हम लॉक कर देंगे। अब यहाँ से आ जाएंगे रिसेंट में, आप देख सकते हैं हमने क्रोम ब्राउजर ओपन किया है, क्रोम ब्राउजर हमारा ब्लर हो जाएगा। यहाँ से हम बैक चेक करके बता देते हैं आपको। इस प्रकार से जाएंगे, यहाँ से अपना क्रोम ब्राउजर ओपन कर दिया, रिसेंट में आपको ब्लर हो जाएगा। यूट्यूब है, मूवी आपका ब्लर हो जाएगा। यहाँ से हमने फाइल ओपन की, फाइल भी आपकी ब्लर हो जाती है। जब आप पब्लिक प्लेस पर यूज करेंगे तो कोई भी आपके फ़ोन में जो झांक कर देख लेते हैं वो आपको पता नहीं लगेगा कि आप स्क्रीन पर क्या यूज़ कर रहे हैं। जब भी हमने ऑन किए थे वो सारे आपके ब्लर हो जाते हैं। तो इस प्रकार से आप अपने एप्लीकेशन को आप यहाँ से ब्लर कर सकते हैं। अगर एक बार में अपने फ़ोन के अंदर दो एप्लीकेशन यूज करने हैं, जैसे आप यहाँ से जाएंगे, हम अपने फ़ोन के अंदर क्रोम ब्राउजर पर जाएंगे,
सेकंड एप्लीकेशन अगर कोई आपको यूज करना है, फाइल है, तो सिंपली हम फाइल पे जाएंगे, तो सिंपली आपको डबल क्लिक कर देंगे इस वाले बटन पे, आपका क्रोम ब्राउजर ओपन हो जाएगा, फिर उस पर डबल क्लिक करेंगे, फाइल आपकी ओपन हो जाती है। तो इस प्रकार से आप इसे यूज कर सकते हैं। इस प्रकार से यूज करने के बाद, इस प्रकार से अगर आप अपने फ़ोन के अंदर फ्लोटिंग विंडो यूज करनी है तो आपको कैसे करेंगे, किसी भी एप्लीकेशन में आपको फ्लोटिंग विंडो यूज करनी है, इसे आपको ओपन कर लेना, रीसेंट बटन पर जाएंगे, यहाँ आपको मिल जाती है फ्लोटिंग विंडो। फ्लोटिंग विंडो जैसे हमने मैसेज बॉक्स में ओपन कर देते हैं, ओके, फ्लोटिंग विंडो यहाँ आपको फ्लोटिंग विंडो क्लिक करेंगे, हम मैसेज में फ्लोटिंग विंडो को यूज कर देंगे। उसके बाद नीचे आप कोई भी एप्लीकेशन अपने फ़ोन में यूज करना चाहते हैं, जैसे हमने क्रोम ब्राउजर ओपन कर दिया, नीचे आपकी फ्लोटिंग विंडो है, अगर आपको एक को बंद करना है तो इस प्रकार से स्वाइप कर देंगे, आपकी ये ऑफ हो जाती है। तो इस प्रकार से आप इसमें फ्लोटिंग विंडो यूज कर सकते हैं। तो इस प्रकार से अपने फ़ोन के अंदर आप इसे यूज कर सकते हैं। तो भाई ये थी हमारे फ़ोन की टिप्स एंड ट्रिक की वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं आपसे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।